नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ प्रज्ञा। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की ओर रुख करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम वही खबरें आपको दिखाते हैं जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सच जरूरी है। बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या, पांचवें दिन मिला सिर कटा शव। झारखंड के जमशेदपुर में 25 जुलाई की रात एक 3 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म कर गला रेतने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस द्वारा जांच के दौरान मंगलवार रात को बच्ची का बिना सिर का शव रामाधीन बागान धोबीघाट से सटी झाड़ी में बरामद किया गया। वही पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। जमीन विवाद में खेला गया खूनी खेल, बीजेपी नेता मागो मुंडा समेत परिवार की हुई हत्या। कुंटी के मुरू के हेड गोवा गांव में बीजेपी नेता मागो मुंडा, उनकी पत्नी लखमणी मुंडा और बेटा लिपराय मुंडा की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक 12.5 एकड़ जमीन के विवाद में ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया गया। रिश्तेदार ने ही PLFI उग्रवादियों को सुपारी देकर हत्याकांड को अंजाम दिया। सेल्फी लेते वक्त फिसल गया पैर, उफनते नदी में जा पहुंची युवती। जगदलपुर के बस्तर में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से इंद्रावती नदी उफान पर है, खतरे के निशाने से ऊपर बह रही। नदी के इस रूप को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मंगलवार की शाम कुम्हारपारा की वैशाली अपने दोस्तों के साथ महादेव घाट पर इंद्रावती का नजारा देखने पहुंची थी। इसी दौरान सेल्फी लेते हुए उसका पैर फिसल गया और नदी में गिर गई। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।